आज देखिए टहल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग, हम और बिरजू भाई जा रहे हैं 150 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए, और अभी के बज रहे हैं सुबह के 4:52। तो आप लोग सोचते होंगे कि इतना सवेरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आप लोग तो बहुत ही होशियार हैं कि थंबनेल देखकर ही विजिट कर लिए होंगे तो कहाँ जा रहे हैं। तो देख सकते हैं हम लोग पूरा सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, दो दो हेलमेट, बिरजू भाई जी भी अपने सेफ्टी पूरा ड्रेस सभी किस के साथ जा रहे हैं, और ये देख सकते हैं हेलमेट लगा रहे हैं। और तो वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं पूरा सेफ्टी के साथ जा रहे हैं, ठंड के मौसम है जो कि ठंड ना लगे, और पीछे में बैग भी लगा हुआ है। और एक बात और बता दूं कि आगे आप देख पा रहे हैं राइडर के हैंडल पर कि नेविगेशन सिस्टम लोकेशन जो वो भी लगा हुआ है, बिल्कुल देख सकते हैं। तो बिरजू भाई कुछ बोलिएगा, बस इतना कहेंगे कि आप अपना प्यार हम लोगों से बरसाते रहिए और हम इसी तरह से काम करते रहेंगे और आपके लिए भिन्न भिन्न कंटेंट और नया नया कंटेंट घर बैठे बिठाए आप पाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ जहां हम लोग जा रहे हैं। अभी 2 घंटा के बाइक से सफर करते हुए पहुंच चुके हैं हाजीपुर। दोस्तों लगातार 2 घंटा के सफर करते हुए, और हाँ इतना ठंड लगता है भाई, इतना ठंड लगता है कि यहाँ पे घूर तो नहीं है लेकिन जुगाड़ किए हुए हैं। लेकिन देखिए घूरा जो है इसको ताप ताप करके अपना जो है ठंडी तो गर्मी में बदल रहे हैं। हाँ, इंजन गर्म नहीं हुआ उतना। हाँ नहीं, और एक बात और बता दो कि ये जो गाड़ी देख पा रहे हैं कि राइडर 125, हाँ ये जो है लोग समझे कि लगभग 50% टंकी खाली हो गया होगा। देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे हैं 5 फुट्टी में 1 फुट्टी जो है डाउन हुआ है, कि यानी कि जो स्पीड ज़्यादा चलते हैं ना तो ये माइलेज काफ़ी अच्छा खासा देते हैं। और जो अपना ये लगा हुआ था लोकेशन नेविगेशन का, उसका बैटिक 11% हो चुका है, डाउन होने पूरा हो चुका है और बंद होने वाला है। तो आते वक्त कोई काम नहीं लगेगा कि उनका, क्योंकि रास्ता देख लिए हैं। और इस बार हम दोनों बैग लेके आए और सुंदर के लिए, क्योंकि क्या पता रात को रुकना पड़ जाए तो पूरा साज सामान लेके आए हैं, जैकेट पे जाके, इसके अंदर भी एक जैकेट है। अगर मुझे लगा ज्यादा डर लगेगा, इसके अंदर भी जैकेट है और क्या बोलते हैं उसको, चादर है, चादर गमछा है, और क्या क्या नहीं है। इसलिए ले लिए क्योंकि रात अगर बितानी हो और जगह उचित मिल जाए तो दोनों आदमी एडजस्ट करके बिता लेंगे और कल भी दिन भर रुकेंगे, फिर परसों निकल जाएंगे अगर ऐसा हुआ तो। चलिए अब दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं पानी, यहाँ पे है पानी, छुई को मन नहीं कर रहा है, और अपना अभी सर तो पानी होगा, सूर्य देवता भी उठ चुके हैं। जैसा कि हम लोग अपने घर से 4 बजे उठे, 4 बजे उठने के बाद पूरा सब कुछ तैयारी कर लिए, उसके बाद 5 बजे घर से चले, जैसा कि आप लोग शुरू में देखे होंगे। तो अपने अभी अपने लोग चलते हैं दोस्तों, बोल भी नहीं पा रहे हैं, अपना ठंड लग रहा है लगाने का, ये ना ये ऐसा इसलिए लगाते हैं नाक में पानी हवा में। अरे कितना पानी हो गया, अरे कितना पानी, पहले तो ये पानी हो गया है जो ये वाटर प्रूफ है। ये क्या करता है, हवा अंदर नहीं जाने देता, पतला है, देखिए पतला वाला जैकेट है, इसमें जो है ना हवा नहीं जाता है, अगर आप इधर से फूकिएगा तो अंदर हवा नहीं जाएगा और ये गर्मी पैदा करता है। देखिए भाई, हम एक गमछा लिए हुए हैं, एक जैकेट है, उसके बाद शर्ट है, अब है शर्ट या टी शर्ट, शर्ट है उसके अंदर ट्राउजर है, ट्राउजर के अंदर गंजी है। बाप रे, इतना नहीं पहनते भाई, हालत खराब हो जाता है। नहीं
नहीं नब्बी नहीं चलाते थे, 60 से 70 से 50 चलाते थे। पापा बोले थे कि जाना पूरा 40 गज में चलाएंगे भाई। अभी क्या सतर्क रहा, फिर भी हम लोग पहुंचे 2 घंटा सबक इतना समय लग गया, फिर भी 1 घंटा बता रहा हूँ। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि पीछे का ग्राउंड है, वैसा यहाँ पे गोट का खेतिया है और यहाँ सजमन का है, दिखा दिए। और अभी पूरा तैयारी होते हैं, अभी भी तैयारी हो गया और चलेंगे। और हाँ हाँ एक बात और कि हेलमेट जो है रात 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 ही हो सकते हैं, 4 बजे कुहेसा भी था और अंधेरा भी था, इसमें जो वाइट वाला ग्लास लगा हुआ है तो इसमें अच्छा खासा दिखाई दे रहा था, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हैं ब्लैकिस्ट ग्लास लगा हुआ, भाई जी को नहीं दिखाई दे रहे थे, तो हमने बोला भाई आप हेलमेट चेंज कर लीजिए, तो हेलमेट चेंज कर दिया। फिर अभी आप देख पा रहे हैं कि मौसम जो है चेंज हो गया है, मॉर्निंग अच्छा खासा आ गया है, अंधेरा खत्म हो चुका है, तो हमने भी अभी हेलमेट चेंज कर लिया। तो चलिए मिलते हैं अभी चाय की दुकान। फाइनली दोस्तों हम और बिरजू भाई पहुंच चुके हैं पटना के वो भी संजय गांधी जैविक उद्यान पटना जू। और तो दोस्तों हम लोग गांव से आते आते और बाइक से सफ़र करते करते 3.5 से 4 घंटा लग गया, और अभी हम लोग आए हैं और अंदर चलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पार्किंग है और अभी चलते हैं बाहर, इस पार्किंग से बाहर। और लेफ्ट साइड में आप इधर देखिए, ये है अंदर जाने का। जैसा कि दोस्तों ये है जिस पटना जू का फ्रंट लुक, और अभी जो है पब्लिक सब जो है घूमने के लिए पटना जू अंदर गए हुए हैं, टिकट सब हॉल अंदर परचेस कर चुके हैं, टिकट से भी कटा रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और हम लोग भी अंदर जा रहे हैं टिकट कटाएंगे, उसके बाद आप सब आप लोगों के साथ अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये रहा पटना जू का फ्रंट लुक। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि पार्क में निम्नलिखित वस्तुओं के साथ प्रवेश वर्जित है, प्लास्टिक बोतल को पॉलिथीन एवं थर्माकोल का, चिप्स कुरकुरे आदि का प्लेक, सिगरेट गुटखा पान मसाला लाइटर मचीस आदि, ये सब आप पढ़ लीजिए, ये सब वर्जित है। और अभी चलते हैं टिकट हॉल के अंदर। दोस्तों अभी देखिए टिकट हॉल के अंदर चलते हैं, ये रहा टिकट हॉल, दोनों चलिएगा हो अब साइड ही करिए, बाकी अंदर का अंदर में मिलेगा ना, इधर को लगा तो गन के लिए और एक है मेरे लिए, तो कुंदन जी आप अपना टिकट रखिए। तो फाइनली दोस्तों मेरा टिकट चुका है, देखिए ये रहा टिकट, और देखिए इसको अंदर जाएंगे स्कैन किया जाएगा। तो दोस्तों अंदर भी जाएंगे, ये एंट्री टिकट है और अंदर में भी टिकट कटाएंगे, और अभी देखिए यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे पूरा चेकिंग होता है, बोतल वोतल नहीं ले जाके आप वहाँ पर पड़े हुए हैं, भाई जब अंदर आ रहे हैं ताकि यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली देखिए वहाँ पे टिकट चेक होकर आधा पर्ची को टिकट को फाड़ दिए ठीक, और अभी अंदर आ चुके हैं, और देखिए इधर का कुछ नज़ारा लुक। तो दोस्तों अभी हम लोग सीढ़ियाँ घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, और क्या क्या देखने को मिलता है आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा। ये रहा बैक लुक, हाँ इधर देखिए पानी पीने का तरीका वहाँ पर है, और यहाँ पर आइएगा पानी पी लीजिएगा। चलिए अंदर की ओर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है संजय गांधी वाले जी का पटना।
यहाँ पे जूलॉजिकल सेक्शन है जो कि टोटल सेक्शन 53 सेक्शन है, देख लीजिए आप लोग, देखते होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप वहाँ पे गाड़ियाँ देख रहे हैं, छोटे छोटे गाड़ियाँ जो उस पर बैठ कर पूरा जू आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है पूरा पैदल ही शेयर करेंगे पूरा पटना जू को। जो मज़ा पैदल में है वो गाड़ियाँ पर बैठ कर नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम लोग पूरा पैदल ही घूमेंगे। और यहाँ पे देखिए फैमिली टॉय ट्रेन, ठीक बच्चे के लिए जनू देखिए ये रिक्शा है, इधर देखिए, और ये देखिए बांस का घर, बांस का घर, यहाँ पे बैठने का जगह है, सीट बनाया गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। इसमें भी आप अंदर जाकर बैठ सके, लेकिन बट इसमें अभी क्या पता बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। और इधर देखिए, इधर आप देख पा रहे हैं कि उधर जो है टॉयलेट है, और यहाँ पे इंडिकेटर है किधर किधर आप जा सकते हैं, चिंपैंजी फूड गार्डन। चलिए सबसे पहले इधर देखिए भेड़िया को, हाँ वॉल्फ वॉल्फ गेट नंबर 2। यहाँ पर देखिए जो ट्रेनें चलते हैं, जिस ट्रेन पर आप बैठ कर घूमेंगे, ये ट्रेन का पटरियाँ है, देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ देखिए भेड़िया शॉप, हाँ ये रहा भेड़िया अलास्का के अलावा कनाडा, देख लीजिए आप पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। और ये देखिए देखिए आ गया एक भेड़िया, आ गया जा चला गया, सॉरी। ये देखिए कितना भेड़िया है, 1 2 3 तीन भेड़िया है, जैसा कि दो भेड़िया बैठे हुए हैं और एक टहल रहे हैं, देखिए देखिए पूरे ठंड में बैठे हुए हैं, देखिए। और एक देखिए उधर घूम रहा है, देखिए हाँ देखिए यह है भेड़िया। देखिए फिर से आ गया, इसका टहलने का मन है, देखिए अब देखिए टहल रहा है। चलिए नेक्स्ट से मिलते हैं।